3, 2, 1, music, Italia! अच्छा रजीत, आप इतने सारे लाइव शोज करते हैं, इनकी आवाज़ इतनी प्यारी है, लोग इतना प्यार करते हैं, जो लड़कियां हैं इनको आज तक कभी देखा नहीं है क्योंकि बहुत कम नज़र आते हैं, तो वो भी उनको भी प्यार है क्योंकि आवाज़ सुनते हैं हम, ऐसा कभी हुआ लाइव शोज में कोई लड़की ऐसे बेहोशी होगी? अरे अरे जी नहीं, ऐसा नहीं होता, वो फिर मेरे पे आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाऊँगा फिर। अच्छा। मेरे शो में कोई बेहोश हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आप बात बदल देते होंगे कि नहीं नहीं इसलिए नहीं बेहोश हुई कि मेरे को देख रही है, इसको किसी ने पानी नहीं पिलाया? हाँ। अच्छा मुझे याद है हम लोग 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में थे, वो किस्सा क्या हुआ? अरे नहीं यार, सुनाओ मैं सुना दूंगा नहीं तो। अरिजीत ने होटल में चेक इन किया। अरे प्लीज सुन तो, कुछ कुछ में गलत थोड़ी यार, हुआ क्या था? मैं बोल देता हूँ, भगवान मुझे इसीलिए मैं नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ कि शो ख़त्म हो गया हम लोग का, ये तो शो करने के बाद इनका फिर पता नहीं था कहीं थे आप। अरे मैं होटल के नीचे था, क्या बात कर रहे हो, मम्मी सामने बैठी हुई है बड़े। मेरा पूरा बैंड मेंबर और हम लोग को भूख लग रहा था और पता नहीं कुछ कोई तो रीज़न था कि खाना आ ही नहीं रहा था, तो हम लोग खुद ही खाना शो हो गया था ना। हाँ। तो मुझे जो रूम मिला था वो रूम में हम लोग पहली बार चेक इन कर रहे थे क्योंकि शो के पहले टाइम नहीं था, तो डायरेक्ट साउंड चेक पे गए, शो किया, उसके बाद रूम पे आए थे। तो रूम में हम लोगों ने पूरा खाना वाना खा लिया और रात के कुछ 3-4 बज रहे थे, जब हम लोग निकल रहे थे रूम से तब दिखा कि एक लड़की का सैंडल और एक कपड़ा, और वो देख के मुझे समझ में आया कि ये मेरा रूम नहीं है। और गलती से मैंने इनको बताया है बात। बाद में मैंने पता किया वो लड़की थी गोरी। तो कहती है मैं गोरी हूँ, मेरे कमरे में ये पनीर सब्जियां कौन खा गया? तो लोग भागे उस दिन, मेरे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बेटा मैं तो सैंडल देख लेता, मैं लेट जाता था। वैसे मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा अरिजीत। तू जाके 3-4 लड़के ढूंढ, शादी कर, कहां इनको क्यों ढूंढ रही है? अरिजीत जब आपको लंदन की फ्लाइट लेनी होती है और भूटान की फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है तो भूटान की फ्लाइट के अनाउंसमेंट को आप इग्नोर करते हैं ना, सेम तरीके से आप इस मनुष्य को भी वैसे ही इग्नोर कीजिए। आपको हर गली मोहल्ले में ढूंढा, लेकिन हो क्या रहा था कि हर जगह से आप ही की आवाज आ रही थी, क्यों गाने तो हर जगह आपके बज रहे होते हैं। अब मैं एकदम कंफ्यूज आ गई कि भाई ये आवाज आपकी आ रही है तो आप हैं कहां। लेकिन यकीन मानिए हर गली मोहल्ले में जाकर मैंने आपका नाम पुकारा है। झूठ बोल रही, तो मोहल्ले में तू जाती थी, गली में तो फंस जाती तू। झूठ मत बोल, डोंट टेल लाइज। मुझे ना ऐसे लगा था आपको मिलने से पहले कि आप ना इतने सॉफ्ट गाने गाते हैं कि आप रुई के बने हो। आपके अंदर मलाई होगी एज ए डॉक्टर, मुझे लगता है। आपने देखी कभी मलाई? अरे बाप रे, मार ही डालो। नहीं नहीं मैं मलाई देखी नहीं, बट कहानी किस कहानी में तो सुना हुआ ना मलाई के बारे में। मैं तो गाने का इतना माहिर हूँ, मैंने तो जो राहत फतेह अली खान साहब है उनको वो गाना गा रहे थे, मैंने चुप करा दिया। कैसे? ऐसे। रेडियो पे कराया ना, रेडियो पे आ रहा था। हार्ट अटैक के साथ बवासीर का इलाज फ्री, मतलब जिसको हार्ट अटैक होता है उसको बवासीर भी होती है, जिसको हार्ट अटैक हुआ उसको क्या पता हुई कि नहीं, कर देते ये। के भैल करोड़पति